दोस्तों, अगर आपने अपने ग्रो एप्लीकेशन में अपना पैसा लगाया हुआ है और आपके जो वॉलेट में, यानी कि आपका जो वॉलेट है, उसमें जो आपका अकाउंट का जो डीमैट अकाउंट का जो पैसा है, आप उसे अपना जो है जैसे अपना बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और अपने पैसों को निकालना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने ग्रो के जो आपका जो ग्रो का डीमैट अकाउंट है, उसमें से आप अपना जो पैसा है अपने बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। उसका पूरा कंप्लीट तरीका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को, और वहां पे हम आपको बताते हैं, अपने मोबाइल में आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं, उसके बाद से हम आपको बताते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो यहां पे दोस्तों, जब आप अपना ग्रो एप्लीकेशन अपना ओपन करेंगे तो होम पेज आपका इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहीं पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे या तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, पे का। पे पे अगर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपके जो यूपीआई पेमेंट्स वगैरह होते हैं वो सारे देखने को मिलेंगे। तो आपको अपना वॉलेट देखना है तो वॉलेट देखने के लिए दोस्तों आपको जो आपका प्रोफाइल है इस पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से दोस्तों देख सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है, यहाँ दोस्तों देख सकते हैं स्टॉक्स, यहाँ पे नजदीक से मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं स्टॉक्स FNO बैलेंस यहाँ पे 71 रुपये 74 पैसे मेरे हैं। अगर दोस्तों आपको प्रॉफिट हुआ होगा तो आपको जो भी आपके वॉलेट में दिखाएगा वो आपको यहाँ पे इसी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों मान को चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। इस पे दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से दोस्तों आपका यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस मेरा इतना था, अपने जो है मैंने अपने 28 रुपये 26 पैसे का मैंने अपना एक शेयर खरीदा था। अब इसके बाद से अभी प्रेजेंट में मेरे अकाउंट में, यानी अपने जो मेरे वॉलेट में जो बैलेंस अवेलेबल है 71 रुपये 74 पैसे अवेलेबल, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बैलेंस अवेलेबल दिखा रहा है 71 रुपये 74 पैसे। अभी प्रेजेंट में आप केवल जो जो भी आपका अवेलेबल बैलेंस रहेगा वही पैसा आपका विड्रॉ होगा, ना कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो अगर रहेगा या फिर यूज वाला अगर रहेगा, ये सारे पैसे आपको विड्रॉ नहीं होंगे। बस आपको जो अवेलेबल बैलेंस देखने को मिलेगा यही आपका जो विड्रॉ होगा। तो चलिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम आपको यहाँ पे 20 रुपये में विड्रॉ करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आप जो भी आप अपना वॉलेट में आपका जो भी पैसा रहेगा वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको क्या विड्रॉ करना है, तो यहाँ पे विड्रॉ का बटन है, विड्रॉ के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका पैसा यहाँ पे पूछा जाएगा कि कितना पैसा आप अपना विड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे जो भी अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पे 20 रुपये हम विड्रॉ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बता रहा है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे बता रहा है यू कैन ओनली विड्रॉ ऑल व्हेन बैलेंस इज लेस देन 100। यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे हर 100 रुपये से कम रहेगा तो आप पैसा निकाल सकते हैं। जब अगर जैसे कि मान लीजिए अगर 100 रुपये से नीचे पैसा है आपका, तो आप जितना यानी 71 रुपये 74 पैसा है यही टोटल पैसा आपको निकालना पड़ेगा, ना कि 10 रुपये 20 रुपये आपको निकालना पड़ेगा। चलिए हम आपको आपके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, हमें पूरा पैसा निकालना चाहते पूरा पैसा निकाल देते हैं। इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे बता रहा है 71 रुपये 74 पैसे आपको सेलेक्ट हो गए हैं। अब इसके बाद से दोस्तों देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बैंक देखने को मिल रहा है, तो बैंक आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। अगर दोस्तों आपने एक से ज्यादा बैंक ऐड किए रहेंगे तो आपको यहाँ पे इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है कि हमारे 2 बैंक यहाँ पे ऐड है। जो भी बैंक पे आप ऐड सेलेक्ट करना चाहें, जिस बैंक में आप पैसा निकालना चाहते हो वो बैंक आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे विड्रॉ का बटन है, विड्रॉ के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ अपना जो ग्रो का पिन है वो पिन आपको देना पड़ेगा या फिर अपना फिंगर देना पड़ेगा। तो हम अपना फिंगर यहाँ पे इनेबल कर देते हैं, हमने फिंगर इनेबल किया। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे फिंगर हमारा जो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाता है, उसके बाद से दोस्तों देख सकते हैं विदड्रॉ रिक्वेस्ट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड 3 फरवरी 2 PM, यानी बता रहा है कि कल के डेट में, आज हमारा 2 फरवरी है, कल के डेट में यानी 2 बजे के आसपास हमारा ये पैसा जो है हमारे खाते में ऐड कर दिया जाएगा। अगर स्टेटस देखना चाहते हैं तो स्टेटस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आपका सारा डिटेल्स है सब यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ट्रांजेक्शन ID आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहीं पर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कैंसिल करना चाहते हैं अपना ऑर्डर, यानी तो यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल के लिए बस आपको कैंसिल विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। जैसे कैंसिल विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पैसा जो बैंक में ट्रांसफर होने वाला था वो रोक दिया जाएगा, यानी कैंसिल कर दिया जाएगा, और आपका जो पैसा वॉलेट में फिर से आपके वॉलेट में देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों मैंने अब जाना कि हमने सीखा कि कैसे अपना जो पैसा ग्रो से अपने बैंक में अकाउंट में कैसे ट्रांसफर किया जाता है, उसका सही तरीका क्या है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आए तो एक लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।